हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम पेट के फॉर्म को अप्लाई किया था तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर का आपको डेट आपका दे दिया गया। एग्जाम सेंटर कहाँ से, अगर आपने जिस जहाँ से अप्लाई किया था उसका भी यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, लगभग करीब 12 तारीख तक ये इसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, 20 तारीख का इसका एग्जाम है। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कहाँ से, जैसे यहाँ पे पहला आपको दिया गया है परीक्षा जनपद और जिस जनपद से परीक्षार्थी आएंगे और आने वालों की संख्या यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जैसे आगरा में आगरा परीक्षा जनपद है। दोस्तों, यहाँ पे आगरा परीक्षा जनपद है, यहाँ पे कहाँ कहाँ के परीक्षार्थी आएंगे, यहाँ पे फिरोजाबाद, मथुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने परीक्षा फॉर्म अप्लाई करते समय फिरोजाबाद, मथुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से अप्लाई किया था, अगर आपने वहाँ का स्थायी एड्रेस डाला था दोस्तों, तो आपको एग्ज़ाम देने आगरा आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और हाथरस से अप्लाई किया था तो अलीगढ़ जाना पड़ेगा दोस्तों। और कितना यहाँ पे संख्या भी दिया गया है, फिरोजाबाद से कितना आएंगे, 21,952। ठीक है दोस्तों, 21,952, और मथुरा से 19,291, और राजस्थान 2004, गुजरात से 141, महाराष्ट्र से 552। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 75 जिलों का पूरा डिटेल दिया गया है दोस्तों, कहाँ से परीक्षार्थी आएंगे परीक्षा देने और कहाँ पे सेंटर दिया गया है। परीक्षा सेंटर जो है 75 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जैसे बस्ती है, बस्ती में कहाँ किसका किसका सेंटर बना है, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर गोरखपुर। ठीक है दोस्तों, गोरखपुर इसका बस्ती में सेंटर बना है। यहाँ पे कितने अभ्यर्थी आएंगे ये भी देख लेते हैं दोस्तों, 13,939 और 7,707, 11,079। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड का सेंटर कहाँ है, बिजनौर में, उत्तराखंड का बिजनौर में है दोस्तों। यहाँ पे ये है 3,450 अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने आएंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं जैसे आपने मैनपुरी से भरा था, मैनपुरी से आपका सेंटर कहाँ पे बनेगा दोस्तों, इटावा। यहाँ पे कितने परीक्षार्थी आएंगे, 17,606 परीक्षार्थी यहाँ पे परीक्षा देने आएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं बलिया, मऊ का सेंटर कहाँ पे लगा है, मऊ का लगा है बलिया में। यहाँ पे कितने परीक्षार्थी आएंगे, 28,939 परीक्षार्थी यहाँ पे बलिया जाएंगे, मऊ के अभ्यर्थी जो हैं बलिया जाएंगे परीक्षा देने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जौनपुर का है संत रविदास नगर, 14,639 अभ्यर्थी जो हैं जाएंगे जौनपुर संत रविदास नगर के। आगे देख लेते हैं दोस्तों आगरा के जो परीक्षार्थी हैं अभ्यर्थी हैं ये कहाँ पर जाएंगे दोस्तों, आगरा के 10,000 अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे, फिरोजाबाद जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे परीक्षा इनकी होगी फिरोजाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में किसकी होगी, मेरठ से जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी गौतम बुद्ध नगर में होगी। 7,443 लोग जाएंगे गौतम बुद्ध नगर मेरठ के। ठीक है दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कौशाम्बी प्रयागराज से जिन्होंने अप्लाई किया था उनको जाना पड़ेगा, कौशाम्बी प्रयाग से 20,000 जो है परीक्षार्थी जाएंगे कौशाम्बी एग्जाम देने। ठीक है दोस्तों, ललितपुर में कहाँ से आएंगे अभ्यर्थी, ये आएंगे ललितपुर में झांसी से अभ्यर्थी आएंगे, कितने आएंगे, 5,880 अभ्यर्थी आएंगे दोस्तों। यहाँ पे हाथरस आगरा से जिन्होंने अप्लाई किया था ये इनको परीक्षा केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, आगरा वालों का हाथरस बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पर लास्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट पेज में दिया गया है शामली में कहाँ से अभ्यर्थी आएंगे, पंजाब से जिन्होंने अप्लाई किया था, हापुर से जिन्होंने अप्लाई किया था वो आएंगे शामली परीक्षा देने। ठीक है दोस्तों, और मेरठ में कहाँ से आएंगे परीक्षार्थी, बिजौर और बागपत, मुजफ्फराबाद, कहाँ से आएंगे, मुजफ्फरनगर से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर बिजनौर, बागपत और मुजफ्फरनगर से आएंगे परीक्षार्थी मेरठ एग्जाम देने। ठीक है दोस्तों, मुरादाबाद में कहाँ से आएंगे, मुरादाबाद में आएंगे अमरोहा से, रामपुर से और सांभल से, कहाँ से आएंगे, रामपुर से और सांभल से आएंगे, यहाँ पे ये आएंगे मुरादाबाद। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर प्रयागराज से आप लोगों ने, जिन परीक्षार्थियों ने प्रयागराज से अप्लाई किया है तो उनको आना पड़ेगा, प्रयागराज से जो अप्लाई किए हैं उनको आना पड़ेगा प्रतापगढ़। ठीक है, प्रयागराज से प्रतापगढ़ यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, कई प्रयागराज से जो भी अप्लाई किए हैं उनको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है दोस्तों, जैसे परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से
उनको कई जगह पे डिवाइड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे सुल्तानपुर में किन का यहाँ पे सेंटर बनाया है, जो अमेठी से जिन्होंने अप्लाई किया था, अमेठी से जिन्होंने अप्लाई किया था उनका है सुल्तानपुर सेंटर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सुल्तानपुर सेंटर दिया गया है, वैसे सबसे नज़दीक यहाँ पे अमेठी वालों का है अमेठी सुल्तानपुर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 8977 अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों प्रयागराज, प्रयागराज में किसका किनका किनका बना है सेंटर, यहाँ पे प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर और ओडिशा और त्रिपुरा बिहार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रयागराज का इतने लोगों परीक्षार्थी देने आएंगे, त्रिपुरा से एक कैंडिडेट आएगा, 69 कैंडिडेट आएंगे, ओडिशा से मिर्ज़ापुर से आएंगे 20,718 और प्रतापगढ़ से आएंगे 18,347 और बिहार से 13,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने प्रयागराज आएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको परीक्षा का पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा, तो PDF दोस्तों आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके फिर आपको PDF डाउनलोड करके वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों कि आपका सेंटर कहाँ पे बना है दोस्तों। तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।